पापा चप्पल का काम करते हैं और पाना बनाते हैं, पेस्टिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं। जैसे पाना बनाते हैं तो मैं पाना स्टिच करके सिलाई पे देने को होता, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, ये हेल्प करता हूँ। और पापा को छोटा मोटा काम होता है, लास्टिक काटने का, पाना काटने का, ये सब मैं कर देता हूँ साथ में। इस कमरे में 10-12 जने सो रहे हैं अकेले में, हम कुछ भी नहीं देख पाए, आज काम पे लगा दिया उनको। ये तो फील तो होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है, बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या करें, वो भी कुछ कर भी नहीं सकते ना इसके लिए। आके रमन ने मेरे को बोला कि चाचा इधर नाइट को भी लगता है स्कूल, फिर उधर एडमिशन कराने के गया ना तब मेरे को पता चला इस चीज़ का, कभी ऐसे भी 3 टाइम कभी स्कूल लगते हैं, इधर मैंने तो कभी लाइफ में देखा नहीं कभी ऐसा। Night schools are schools that run in the evening for 3 hours and they are basically for working students. The uniqueness of the program is that it's a comprehensive model that is first time being implemented in night schools. It's a unique model which takes care of the infrastructure, capacity building and advocacy. And the uniqueness is that they are already existing schools. What we do is we provide them with these missing resources, build the capacity of various stakeholders and also take up issues for them with the government. जैसे बच्चों को बैग देना, कंप्यूटर उसके बारे में देते हैं, प्रोजेक्टर हमको दिए हैं, किताब कॉपी, बच्चों को शाम को नाश्ता देते हैं। इससे क्या है, बच्चे भी बढ़ते हैं और पढ़ने में उनको मन भी लगता है कि हाँ नहीं, हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ने के लिए। पहले जहाँ से पढ़ा था वहाँ बहुत फ़र्क है, यहाँ की पढ़ाई अलग है, वहाँ की पढ़ाई अलग है। वहाँ का पढ़ाई थोड़ा ईजी है, इधर का पढ़ाई थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी अच्छा लगता है थोड़ा हार्ड पढ़ के। अभी हार्ड पढ़ूंगा तो आगे भी अच्छा पढ़ सकूंगा।